वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस चैप्टर वन पार्ट फाइव एपिसोड नंबर फाइव नंबर सिस्टम लेके आए हैं। इसमें हम तुमको पढ़ाएंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर में कैसे हम ऑपरेट करेंगे इसके बारे में सिखाएंगे। यहां पर तुम्हारे पास जो है आपको सिखाना है कि हम लोग कैसे करेंगे, यह बात को क्लियर करना है। आइए हम लोग करते हैं, माने एडिशन करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर तुम क्या करो कि रियल नंबर कहां है, तो आर को तुम रेशनल नंबर माना और एस को इरेशनल नंबर मानो। अब तुम्हारे पास पहला ऑपरेशन करना चालू कर, तो पहला ऑपरेशन करोगे तो क्या पाओगे, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल पाओगे, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल पाओगे, और रेशनल मल्टीप्लाई एस और रेशनल डिवाइडेड इरेशनल या इरेशनल डिवाइडेड रेशनल। तो यहां पर एक सस्पेंस होगा। अगर गलती से तूने रूट टू बाई जीरो लिख दिया तो गाड़ी फंस जाएगा, यानी यह इरेशनल होगा लेकिन आर का कंडीशन रखेगा कि जीरो नहीं होगा। यह बात तुम्हारे पास हो गया। यहां पर अब तुम्हारे चेक करने की बात कर रहा है, तो अभी सिखा ही दिए हैं। यहां पर यह इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, प्रोडक्ट आपका इरेशनल होगा। यहां डिवाइड भी करेंगे इरेशनल होगा, यहां इरेशनल है, ये रेशनल है तो इरेशनल होगा, और पाई माइनस टू भी इरेशनल होगा। अब तुम्हारे पास जो है अगला कह रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक होना चाहिए, मतलब स्वजातीय होना चाहिए। अगर स्वजातीय नहीं मिला तो कम से कम समरूप होना चाहिए, यानी सिमिलर होना चाहिए, तभी आपको जुड़ेगा। देखो ये और ये सिमिलर है सर्च, और ये सिमिलर है, तो या तो स्वजातीय होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए, तभी बात होगी। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में तुम देखते हो, पहले हम लोग जात ढूंढते हैं, फिर अंदर और जाते हैं तो उसकी सब जात ढूंढते हैं। ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर जात ढूंढ के काम करवा लिए, अब यहां पर देखो टू रूट टू और रूट टू है तो यहां पर थ्री रूट टू हो जाएगा, और यहां पर पांच है तीन है तो यहां पर टू रूट थ्री हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा समझ लीजिए या तो लाइक या सिमिलर होना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पर तुम थ्योरी को दे सकते हो। मल्टीप्लीकेशन की क्या थ्योरी है, इस पर कभी सोचा है? बहुत आदमी ट्रिक बता देता है, सोचो क्या थ्योरी है। यूनिट कैसे आएगा सोचो, टेन कैसे आएगा, हंड्रेड कैसे आएगा, थाउजेंड कैसे आएगा, टेन थाउजेंड कैसे आएगा, यह सोच लिया तो तुम ट्रिक पैदा कर देगा। यहां देखो अगर एबी को हम सीडी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूनिट प्लेस है, टेन प्लेस है। यहां पर गौर से देखो बी में डी से करते हो तो बीडी लिखते हो, यस। फिर यहां एडी लिखते हो, इससे करते हो बीसी लिखते हो, आई एसी लिखते हो। ये वाला तेरा यूनिट प्लेस है, ये वाला टेन प्लेस है, दिस इज द हंड्रेड प्लेस। यूनिट में यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट होगा, यानी यहां पर तुम कह सकते हो यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट। टेन को यूनिट इंटू टेन और टेन इंटू यूनिट, और 100 को 10 इंटू 10 लिखना पड़ेगा।
यानी इसी से तुम्हारा मल्टीप्लाई का स्पीड भी तुमको हम बढ़ा दिया। ये 2 3 5 6 है, तो यहां 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 5 3 15 12 27 1 28 और 5 2 10 2 12 आपका 1288 हो गया। यहां पर भी अब यह बात तुमको जान गया, तो यहां पर 6 2 12 √5 से √5 कर दिया तो 5 हो गया, 12 5 60 यानी मल्टीप्लाई तुम्हारा क्लियर हो गया। अगली प्रश्न तुम्हारे पास आता है डिवाइड करने का, तो यहां पर 8 √15 है और यहां पर 2 √3 है, तो तुम पढ़े हो कि अगर दोनों पॉजिटिव है ए बी में तो यहां √√a × √b लिख सकते हो, यानी 8 √5 और यहां √3 और यहां पर 2 √3 लिख सकते हो। √3 से √3 कट जाएगा, यहां पर 4 बार में कटा, यहां पर 4 √5 लिख सकते हो। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, यह बात तुमको अब देखो, दिस एग्जाम्पल मे लीड यू द एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स विच आर ट्रू, द सम या डिफरेंस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया इरेशनल। प्रोडक्ट और कोशेंट के लिए हमने बताया था नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए और इरेशनल तब इरेशनल होगा, मैंने तो पहले ही कह दिया। इफ बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाई डिवाइडेड टू इरेशनल नंबर रिजल्ट में जो है आपका निर्भर करेगा, वो रेशनल भी होगा इरेशनल भी होगा, कैसे, यानी एस प्लस एस आर भी हो सकता है। जैसे तुम √2 ले लो, हमने -√2 ले लिया और दोनों जोड़ दिया तो 0 हो गया, रेशनल हो गया। यह बात तुमको सिचुएशन पर निर्भर कर सकता है। अगला तुम्हारे पास है, यही चीज को तुमको यहां पर बताना है, √ab तो b² = a² हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बात है। अब इसको ज्योमेट्रिकल तरीका से 3.5 को दिखाना है, तो आओ हम लोग √x को पुनः दिखाते हैं। तो यहां पर तुमको नंबर लाइन पर अगर √x को दिखाना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो ये √x को दिखाने के लिए यहां पर ऑरिजिन लिया, ऑरिजिन से x यूनिट यहां लिया, 1 यूनिट बढ़ा दिया। अब इसकी परपेंडिकुलर बायसेक्टर खींचो, यह परपेंडिकुलर बायसेक्टर ये सेंटर हो गया, इसी कहलाया। अब C से इसका डिस्टेंस मानते हुए ये सेमी सर्कल खींच दो, अब A वाला वैल्यू √x होगा। अब ये क्यों होगा, यह प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्यों होगा। अब देखो ये तुम्हारा वैल्यू तो x+1/2 होगा, क्योंकि यहां पर इसी को रेडियस माने हो, और ए बी वाला वैल्यू x+1/2 होगा, इसको ए मान लो इसको बी मान लो। अब तुम्हारे पास क्या है कि यहां पर यह 90 डिग्री का एंगल बना है, तो यहां पर तुम्हारे पास कैसे सॉल्व करोगे यह बात को जानना जरूरी है। यानी यहां पर BC² = यहां पर BO² + CO² लिख सकते हैं। यहां CO निकालने के लिए यह दूरी आपका CO = यहां पर OA - OA, यहां पर CA - OA लिख सकते हो, और CA की वैल्यू x+1/2 है, तो यहां x-1/2 यहां CO लिख सकते हो। अब तुम्हारे पास BC की वैल्यू यानी यहां CO ही आपका निकालना है BO, यानी BO² = तुम्हारा BC² - CA², यानी यहां पर BO² ये x+1² - यहां x-1² यहां पर BO² इसको सॉल्व करोगे तो x² 2x + 1/4 हुआ, और यहां पर हल करोगे तो x² 2x + 1/4 हुआ। x² से x² कट गया, यानी यहां पर BA² = 4x/4 हुआ, 4 से 4 कट गया, BO का वैल्यू √x हो गया। अभी तुमसे जो प्रश्न पूछ रहा था कि 3.5 को दिखाना नंबर लाइन पे, ये बिल्कुल आसान हो गया। यहां ओरिजिन से 3.5 हम इधर की ओर लेंगे,
और एक यूनिट यहां पर लेंगे। अब इसकी हम सेमी सर्कल खींच देंगे और ये वाला वैल्यू तुम्हारा रूट अंडर 3.5 हो जाएगा, यानी यहां से ऐसे गिरा देंगे, यह तुम्हारा रूट अंडर 3.5 हो गया। यानी अब तुम्हारे पास ये प्रश्न भी जानने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, ये तुमको देखो दिखाया है, ये तुमको आराम से तुमको करने आ गया है। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास रूट अंडर एक्स का, जो ऑलरेडी मैंने पहले ही सिखा दिया है, इसमें कोई तरह का दिक्कत की बात नहीं है, यही चीज को वो किया है जो हमने ऑलरेडी पहले कर चुका है। अब तुम्हारे पास दिखाने में कोई तरह की कोताही नहीं बरता और आपने आराम से दिखा दिया है। इस ढंग से आप चाहेंगे तो थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट भी दिखा सकते हैं, आपको कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक ज्ञान की हम बात किए थे कि दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो ये होगा, डिवाइड रहेगा तो ये होगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रिसलाइज तो बहुत मैंने सिखाया, यह बात आपको क्लियर होना चाहिए। और यह भी कंपाउंड वाला मल्टीप्लाई, ये भी तुमको हम बात सिखा दिए हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, आइए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 5 × 10 और यहाँ पर 5√5 और यहाँ पर 2√7 और यहाँ पर रूट अंडर 35। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर देंगे तो ये अभी है तो यानी 5 × 25 − 5 = 20 हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूला पर कर देंगे तो 3 + 7 + 2√ यहाँ पर 27 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला पर हो जाएगा तो 11 − 7 = तुमको 4 हो जाएगा। यह बात तुम्हारा क्लियर है, रिमार्क्स के बारे में तुमको अब जानने की जरूरत नहीं है, तुमको रेशनलाइज करने का हम तरीका बहुत बढ़िया से सिखा दिया है। अब इसके रेशनलाइज क्या से करेंगे तो यहाँ √2 और यहाँ पर भी √2, यहाँ √2, यहाँ पर √2। अब तुम्हारे इसके रेशनलाइज क्या से करेंगे तो 2 − √3, क्योंकि इससे बड़े बड़े खिलाड़ी को हम सिखा दिए हैं, तो यहाँ पर 2 − √3 और यह 4 − 3 = 2 − √3/1। अगला तुम्हारे पास है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, इसका करना है तो यहाँ पर √3 − √5 प्लस में और यहां पर भी √3 + √5, 5 + √3 + √5 और ये वाला 3 में से 5 गया तो माइनस माइनस ऊपर लिख देंगे। अब तुम्हारे पास जो है अगली प्रश्न जो है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ये है तो यहां पर भी तुम कर सकते हो 7 − 3√2 और यहाँ 7 − 3√2। यानी तुमको अभी जितने भी प्रश्न मिले हैं भयंकर नहीं मिला है तो यहाँ पर तुम्हारा 47 × 49 और 9 × 2 = 18 ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब एक्सरसाइज की बारी आ गई है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आइदर रेशनल या इरेशनल। अरे यार ये तो इरेशनल है, 23 23 कट के ये रेशनल हो गया, यहाँ √7 √7 कट के रेशनल हो गया, यहाँ ये इरेशनल हो गया, यहाँ भी ये इरेशनल हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास अभी मल्टीप्लाई करने की बात है तो यहाँ 3 × 6 हो जाएगा और 3√2 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा और √6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो 9 − 3 यहाँ 6 हो जाएगा, यहां हल करेंगे तो 5 + 2 यहां पर 2√10 हो जाएगा और यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ये 5 हो जाएगा −2 यानी 3 हो जाएगा। रिकॉल पाई इज द डिफाइन द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी एंड डायमीटर डी और पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आपको यही कहना होगा कि सी और डी को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट में रेशियो थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। तो कोई इंसान जो है 7 8 कोई 20 कोई 50 कोई ये, तो यहां पर तुम्हारे पास इसलिए वो पाई इरेशनल नंबर है, यह बात को तुमको क्लियर है, क्योंकि 22/7 मानते हो रेशनल होता है, इससे भी मोर एक्यूरेट वैल्यू 355/113 होता है, लेकिन पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है। यहां पर 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर 0 और यहां पर 9.3 और ये वाला 1। अब यहां पर सेमी इसी मानते हुए सेमी सर्कल और ये वाला 9.3, अब यहां पर सेंटर से ऐसे कर देंगे, यहां 9.3। अब रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग,
इसका अगर हम स्लाइस करेंगे तो यहां पर रूट अंडर सेवन, यहां पर भी रूट अंडर सेवन से करना पड़ेगा। अब इसका करेंगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स, यहां पर रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स, यहां पर तुम्हारे पास करेंगे तो रूट फाइव माइनस रूट टू, यहां पर रूट सेवन प्लस टू, यहां पर भी रूट सेवन प्लस टू। यहां पर अब क्वेश्चन बैंक आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइव के पावर एन बाई टू, यहां फाइव के पावर थ्री, एन बाई टू इज इक्वल टू थ्री, एन बराबर सिक्स। यह प्रश्न में थोड़ी मॉडिफाई करते हैं, फाइव के पावर एन एथ रूट ऑफ 64 लिखा हुआ है, यहां फाइव, यहां पर ये हो गया 64, यानी ये वाला निकला दो, यानी फाइव के पावर टू बराबर 25। अब अगली प्रश्न में तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कह रहा, यहां पर ये दूसरा रूट है, ये तीसरा है, पांचवा है। अब देखो दो तीन पांच का एलसीएम 30 हो जाएगा, यानी तीसवा रूट में दो के पावर 15 कॉमा इसका तीसवा रूट करेंगे तो तीन के पावर 10। तीसवा रूट करेंगे फाइव के पावर सिक्स, अब देखो ऑर्डर तो सेम हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां पर ये आ गया तुम्हारे पास, अब 2/15, 3/10, 5/6, यहां पर अब एससीएफ निकाल दो 15-10 का, 5 एससीएफ हो गया, ये 2 के पावर 3, यहां पर 5, और 3 के पावर 2 इसके पावर 5, अब यहां 8 के पावर 5, यहां 9 के पावर 5, यानी ये बड़ा हो गया। अब ये दोनों का एसएफ निकालें, यहां पर ये 2 2, तो यहां 3 के पावर 5 और यहां 5 के पावर 3, इसके पावर 2 और इसके पावर 2, यहां 3 के पावर 5 243, यहां 125, यानी यह क्लियर बात है कि सबसे बड़ा ये वाला है। अब ये दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा तो 3 हो जाएगा, और यहां पर 5 के पावर 2 इसका पावर 3, यहां 32, यहां 25, यानी इसके बाद ये है। यानी अगर कहा कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है तो पहले ये है, फिर ये, तब ये। इन विच द फॉलोइंग पेयर सर्ट्स आर द गिवन सर्ट्स सिमिलर, या सिमिलर है, ये डिसिमिलर है,
क्योंकि थर्ड में है सेकंड में है, इसको सिमिलर बनाना पड़ेगा तो छह हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और यहां छह हो जाएगा तो 7 पर 3 343, अब ये सिमिलर हो गया, लेकिन ये भी सिमिलर है तो ये हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब यहां पर छठा रूट, तीसरा रूट, दूसरा रूट, तो ए और ए दोनों हो जाएगा, क्योंकि 6 3 2 12 का एलसीएम 12 रूट में हो जाएगा, एक बार इसको घुसाओगे तो यही बात हो जाएगा। अब यहां कौन स्मॉलेस्ट है, तो जो सबसे बड़ा होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि अभी यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां 5/√10, यहां √5, यहां 5/√19, यहां 14, और यहां 5/√22, और यहां 17, यहां √8, √3, यह तुम्हारे पास हो गया। √m बराबर √ac, तो √m √c आर द सेट्स ऑफ, क्या होगा यहां √m ए डिसिमिलर गलत, ए वाला सिमिलर होगा, यहां पर 5 √3 है, 2√3 एक्स प्लस y√3 है, तो यहां पर 5√3, यहां पर 2√3 है, और यहां पर 2 √3, और यहां पर भी 2 √3, तो यहां 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, यहां 5 × 10, और यहां पर 5√3 और माइनस 2√3 और माइनस माइनस प्लस, यानी 10 × 5 = 7√3, एक्स का वैल्यू 10 आया, आपका 10 × 3 = 13 आ गया, और वाई की वैल्यू -7 आ गया। द सिंप्लीफाई फ्रॉम द √, ये यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो ये बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम जो निकालते हैं ना तो 169 13 आ जाता है, 13 का यहां पर चर्चा नहीं किया हुआ है, तो यहां पर तुम्हारे पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, इसको हम लोग मॉडिफिकेशन करके कर देंगे। ये 9 नंबर में तुम्हारे पास ए मल्टीप्लाई करके जो आएगा सो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए बी सी है, जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC होता है, यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 2 ABC, तो यहां पर भी घटाओगे तो 3 AB में से 2 ABC घट जाएगा, तो यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 2 ABC बराबर यहां पर ABC हो जाएगा, यानी ABC का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। यहां पर ये वाला सॉल्व करना है तुम्हारे पास, ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहां 63 है और 8 × 56, यहां पर तो यहां पर तुम्हारे पास 7 कॉमन ले लेंगे तो √9, यहां √8। अब तुम्हारे पास √7 तो रहने दो, ये 3 और 2√2, √7 हो गया, ये चौथा रूट निकला √2 + 1, ये वाला हो जाएगा, यहां पर √7 + 2√3, 2√7 − √5, TQR का वैल्यू निकालना है
तो इसके मल्टीप्लाई करके यहां पर ध्यान दीजिए, P से भरा Q, Q से भरा R है, तो यहां पर Q प्लस R माइनस P 361, क्योंकि Q का वैल्यू आएगा, R का वैल्यू आएगा, माइनस P का वैल्यू कर देंगे तुम्हारे पास हो जाएगा। तो यह तुम्हारे पास जो है आराम से हो जाएगा, इसमें कोई तरह का दुमत की बात नहीं है। अगली प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।